लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक, सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी जहां वास करते हैं, जहां से कोई खाली नहीं लौटा। जी हाँ फ्रेंड्स, सुंदर पहाड़ों, जंगलों और खो नदी के किनारे छोटी सी पहाड़ी पर बने सिद्धबली मंदिर की बात कर रही हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड सेट नॉलेज, और आज हम जा रहे हैं कोटद्वार सिद्धबली मंदिर। फ्रेंड्स, ये है कोटद्वार की फर्नीचर एंड पेंसिल फैक्ट्री। सिद्धबली मंदिर मेरे दादा दादी के घर से अराउंड 15 किलोमीटर है और कोटद्वार सिटी से 3 किलोमीटर है। ये है कोटद्वार की आर्मी कैंटीन। मेरे दादाजी भी यहीं पर आते हैं क्योंकि वो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है। ये है यहाँ का गढ़वाल टॉकीज जो कि अब बंद हो चुका है। ये है कोटद्वार का गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल, यहीं पे मेरा बर्थ हुआ था। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, मींस गेटवे ऑफ गढ़वाल। में रेलवे लाइन बन जाने के बाद कोटद्वार एक शहर के रूप में डेवलप होना शुरू हुआ। अब हम क्रॉस कर रहे हैं खो नदी पे बने ब्रिज को, जिसकी दूसरी तरफ पहाड़ी पर है सिद्धबली मंदिर। सिद्धबली मंदिर की स्थापना के बारे में यह कहा जाता है कि इस स्थान पर तप साधना करने के बाद सिद्ध बाबा को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी। सिद्ध बाबा ने यहाँ बजरंगबली की एक विशाल पाषाणी मूर्ति का निर्माण किया था। इसके बाद इस जगह का नाम सिद्धबली पड़ गया। यहाँ पर हम अपने शूज उतार कर रखेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। यह भी कहा जाता है कि बाद के ब्रिटिश शासन काल के दौरान एक खान मुस्लिम अधिकारी अपने घोड़े से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वे सिद्धबली के पास पहुंचे तो वो बेहोश होकर गिर गए और उनको स्वप्न हुआ कि सिद्धबली की समाधि पर मंदिर की स्थापना की जाए। जब वह होश में आए तो उन्होंने आसपास के लोगों को अपने स्वप्न के बारे में बताया। फिर तभी यहाँ पर लोगों ने भव्य मंदिर बनवाया। पहले यह एक छोटा सा मंदिर था। प्राचीन और शक्ति की महत्व के कारण श्रद्धालुओं ने मंदिर को भव्यता प्रदान कर दी। बहुत साल पहले मानसून सीजन में मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है वो नदी की तरफ से बह गया था, लेकिन चमत्कारी रूप से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद इसके बेस को दोबारा मजबूती से बनाया गया।
रखिए, कोरोना की वजह से सभी घंटियां बंद कर रखी हैं। यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूर दूर से लोग भी आते हैं। सिद्धबली मंदिर में मेनली गुड़ की भेली, चने, बताशे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, ये शनि देव का मंदिर है। अब हम जा रहे हैं मंदिर में होने वाले भंडारे का प्रसाद लेने। और आलू की सब्जी भी है और कद्दू की सब्जी भी है।
फ्रेंड्स, हमने अच्छे से दर्शन लिए हैं और भंडारे का प्रसाद भी खा लिया है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं दुर्गा देवी मंदिर, जो कोटद्वार से 11 किलोमीटर है। अगर आप सिद्धबली मंदिर आएँ तो दुर्गा देवी मंदिर भी ज़रूर जाएं। फ्रेंड्स, अभी हम जिस रोड पे हैं, ये फेमस हिल स्टेशन लैंसडाउन की तरफ जाती है, जो कि इंडियन आर्मी गढ़वाल राइफल का बेस भी है। आधुनिक मंदिर सड़क के पास स्थित है, परंतु प्राचीन मंदिर आधुनिक मंदिर से थोड़ा नीचे एक 12 फीट लंबी गुफा में स्थित है, जिसमें एक शिवलिंग स्थापित है। बहुत दूर दूर से लोग देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेने आते हैं, और भक्तों का मानना है कि देवी दुर्गा अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं, और लोग विश्वास के लिए मंदिर में लाल चुनरी बांधते हैं। मुख्य मंदिर के निकट स्थित एक छोटी सी गुफा है। उस गुफा में माँ दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों को लेट कर जाना होता है। दुर्गा देवी के इस मंदिर के संबंध में कई सारी चमत्कारिक कहानियाँ हैं। दुर्गा देवी मंदिर के निर्माण में भी एक रोचक कथा छुपी हुई है। कहा जाता है कि मंदिर प्राचीन समय में बहुत छोटे आकार में हुआ करता था, किंतु डुगुड्डा कोटद्वार के बीच सड़क निर्माण कार्य में व्यवधान आने पर ठेकेदार द्वारा भव्य मंदिर की स्थापना की गई, तो कार्य तेजी से संपन्न हुआ। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सिद्धबली मंदिर जा चुके हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।